पपीता बहुत ही लाभकारी कामन फल है जिसे अधिकतर लोग खाना पसंद करते हैं। पपीता सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। पपीते का वैज्ञानिक नाम कैरिका पपाया होता है। पपीते में लाइकोपेन विटामिन ए विटामिन सी होता है। लाइकोपेन एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है जो हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। पपीता में नियोसिन मैग्नीशियम पोटेशियम और प्रोटीन जैसे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। पपीते के बीज और पत्तियों का प्रयोग दवाओं के रूप में किया जाता है। पपीते के बीज में भी मैग्नीशियम कैल्शियम फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो पपीते में फाइबर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए हमारे पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिन लोगों को पेट में कब्ज और गैस की समस्या होती है तो उन लोगों के लिए पपीते का नियमित रूप से सेवन करने से फायदा होता है। कच्चे पपीते का प्रयोग सब्जी के रूप में करके कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। पपीता खाने का सही समय सुबह का होता है। सुबह पपीता खाने से पूरा दिन ऊर्जा की पूर्ति होती रहती है। रात में पपीते को खाने से बचना चाहिए। पपीते की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्भवती महिलाओं को पपीता खाने से बचना चाहिए, क्योंकि पपीता खाने से गर्भवती महिलाओं का गर्भपात तक के हो सकता है। पपीते का प्रयोग संतरा दही नींबू अर्थात खट्टी चीज़ों के साथ खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे एसिडिटी की समस्या हो सकती है। पपीते में विटामिन सी और कैल्शियम भी पाया जाता है, इसलिए ये हड्डियों और दांतों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होता है। पपीता में फाइबर भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, इसलिए ये मोटापा और वजन कम करने में सहायता करता है। गठिया के मरीजों के लिए भी पपीता बहुत ही लाभदायक होता है।